मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। वेकेशंस में ग्लैमरस लुक में दिखी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों फैमिली के साथ मियामी में वेकेशन मना रही हैं। वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें खुद प्रियंका और निक जोनस ने शेयर की हैं। वेकेशन की तस्वीरों में प्रियंका का ग्लैमरस अंदाज सामने आ रहा है। हाल में सामने आई नई तस्वीरों में प्रियंका ऑफ वाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। इसके साथ उन्होंने कैट आई चश्मा और टोटे बैग कैरी किया हुआ है। वहीं निक जोनस पिंक गंजी पहने हुए कूल लुक में नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रियंका पति निक जोनस के साथ बीच किनारे एंजॉय करती नजर आ रही थी। उन्हें स्विम सूट में जेट स्कीइंग करते और याच पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा गया था। वैकेशन पर निक के भाई जो जोनस और उनकी मंगेतर सोफी टर्नर भी उनके साथ हैं। क्या निक जोनस से तलाक लेने वाली हैं प्रियंका चोपड़ा? बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मियामी में हैं और पति निक जोनस के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उस वक्त खलबली मच गई जब एक इंटरनेशनल वेबसाइट ने एक खबर छापी कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन अब दोनों में खटपट चल रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल वेबसाइट ओके ने खबर छापी कि निक जोनस ने बिना एक दूसरे को सही से जाने ही जल्दबाजी में शादी कर ली और ये दोनों अब हर बात पर लड़ते रहते हैं। मैगजीन के मुताबिक निक और प्रियंका काम और पार्टी से लेकर हर बात पर झगड़ते हैं। दोनों ने जल्दबाजी में बड़ा फैसला लिया और उसी की कीमत अब चुका रहे हैं। इनकी शादी खतरे में है। सूत्रों के मुताबिक इस वेबसाइट ने खबर लिखी कि निक को पहले लगता था कि प्रियंका चोपड़ा बहुत ही कूल है, लेकिन शादी के बाद उन्होंने उनका कंट्रोल करने वाला साइड देखा। प्रियंका को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और इस बारे में शादी के सेलिब्रेशन तक निक को पता नहीं था। इसके बाद प्रियंका के पीआर से संपर्क किया तो उन्होंने इसे बकवास बताया। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, ओके मैगजीन इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें छाप चुकी है। तलाक की खबरों पर प्रियंका ने दिया जवाब। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और फैमिली संग रविवार सुबह दो तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में प्रियंका जोनस फैमिली संग काफी खुश नजर आ रही हैं। तस्वीर में प्रियंका के साथ जोनस ब्रदर्स और उनके सास ससुर नजर आ रहे हैं। प्रियंका की इस तस्वीर को तलाक की फैली अफवाह का जवाब माना जा रहा है। प्रियंका ने तस्वीर में कैप्शन लिखा, जोनस ब्रदर्स के पहले शो में शामिल हुई, मुझे गर्व है। बता दें gossip.com की रिपोर्ट के मुताबिक ओके मैगजीन का कहना था कि 36 वर्षीय अभिनेत्री और 26 वर्षीय गायक एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। खबरों में कहा गया कि दोनों हर काम पार्टी साथ वक्त बिताने को लेकर झगड़ते हैं। निक और प्रियंका जल्दी चीजों में पड़ गए और अब वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया। वेंकटेश की बेटी के रिसेप्शन में देखे बॉलीवुड स्टार्स। साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश की बेटी आश्रिता की शादी के बाद हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन हुआ। इस मौके पर साउथ इंडस्ट्री के बड़े सितारों ने शिरकत की। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास और राणा दग्गुबती के अलावा एक्ट्रेस श्रुति हसन भी पार्टी का हिस्सा बनी। पार्टी में श्रुति गोल्डन ज्वेलरी पहने नजर आईं, साथ ही वो ब्लैक आउटफिट में काफी आकर्षक नजर आईं। उन्होंने अलग अलग पोज में फोटोशूट भी कराया। इसके अलावा एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें बाहुबली फेम एक्टर प्रभास मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। साउथ की फिल्मों के मशहूर एक्टर दग्गुबती वेंकटेश की बेटी आश्रिता प्रोफेशनल बैंकर हैं। उनकी शादी जयपुर में हुई। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम लोगों ने शिरकत की। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी शादी में पहुंचे थे। सलमान खान और दग्गुबती वेंकटेश के काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों स्पेशल बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं। गर्ल गैंग संग बैचलर ट्रिप पर मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं। पूल में एंजॉय करती मलाइका की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हैं। मलाइका अरोड़ा स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रही हैं। उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, अ परफेक्ट वे टू बिगिन माई डे। बता दें कि मलाइका अरोड़ा के अर्जुन कपूर संग शादी की खबरें जोरों पर हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने ऐसी खबरों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने शादी की खबरों को गलत बताया है। अर्जुन संग शादी पर मलाइका ने कहा, नॉट ट्रू। इंटरनेट पर छाई मलाइका अरोड़ा की तस्वीरें। इन दिनों सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा की गर्ल गैंग संग तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें मलाइका की बैचलर पार्टी की बताई जा रही हैं। तस्वीरों में मलाइका समंदर किनारे अपने वेकेशन को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। मलाइका अरोड़ा के साथ उनकी गर्ल गैंग का कूल अंदाज तस्वीरों में छाया हुआ है। मलाइका की बिकनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मलाइका अरोड़ा की इस वेकेशन को उनकी बैचलर पार्टी का नाम दिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक लंबे वक्त से अर्जुन कपूर और मलाइका एक दूसरे संग रिलेशन में हैं। दोनों ही अब इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं। शादी की चर्चा के बीच नजर आए मलाइका और अर्जुन।
मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर दोनों की शादी की चर्चा इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में छाई हुई है। खबरों की माने तो दोनों स्टार्स 19 अप्रैल को प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को रविवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मलाइका की बैचलर्स पार्टी में अर्जुन कपूर भी शामिल हुए थे। मलाइका अरोड़ा गर्ल गैंग संग मालदीव में वैकेशन मनाने गई थी। खबरों के मुताबिक 19 अप्रैल को होने जा रही अर्जुन संग मलाइका की शादी के पहले ये एक्ट्रेस की गर्ल गैंग संग बैचलर्स पार्टी थी, लेकिन मलाइका और अर्जुन कपूर का साथ एयरपोर्ट पर नजर आना इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि शादी से पहले दोनों स्टार्स वैकेशन मनाने गए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा अपने दोस्तों संग नजर आई, उनके साथ अर्जुन कपूर किसी तस्वीर में नहीं दिखे। मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स। मुंबई में मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। इस अवार्ड फंक्शन में तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। सभी ने रेड कारपेट पर अपने स्टाइलिश लुक से जलवे बिखेरे। अनुष्का शर्मा पार्टी में ऑल ब्लैक लुक में नजर आईं। उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मिडिल पार्टेड ओपन हेयर और स्मोकी आई मेकअप कैरी किया। एक्ट्रेस करीना कपूर शिमरी ब्लैक कलर के लहंगे में नजर आईं। टाइट बन और स्मोकी आई मेकअप उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था। वो इस लुक में काफी स्टनिंग लगी। वहीं एक्ट्रेस कैटरीना कैफ रेड कलर का आउटफिट पहनकर पहुंची। स्लिट गाउन के साथ उन्होंने ओपन हेयर और न्यूड मेकअप किया था। अक्षय कुमार ने भी इस फंक्शन में शिरकत की। वो यहां ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। इस दौरान वो काफी हैंडसम लग रहे थे। करण जौहर हमेशा की तरह फंक्शन में छाए रहे। वो ब्लैक टक्सीडो पहनकर पार्टी में पहुंचे। साथ ही उन्होंने शिमरी जैकेट भी कैरी की हुई थी। शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी संग इस पार्टी में पहुंचे। दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आए। विकी कौशल भी अवार्ड फंक्शन में पहुंचे। ट्विंकल खन्ना गोल्डन शिमरी गाउन में नजर आईं। उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक कलर का क्लच कैरी किया था। कियारा आडवाणी ने पिंक कलर का आउटफिट कैरी किया था। ये आउटफिट उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रणवीर सिंह हमेशा की तरह काफी कूल नजर आए। उन्होंने येलो सूट पहना था। ब्लैक एंड व्हाइट शेड से उन्होंने अपने लुक को कम्प्लीट किया। कांग्रेस ज्वाइन करते ही ट्रोल हुई उर्मिला मातोंडकर। हाल ही में उर्मिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो माता के मंदिर में नजर आ रही हैं। उर्मिला की इस फोटो को शेयर करने की देर थी। लोगों ने उन्हें हिंदू मुस्लिम होने पर कमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उर्मिला ने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने अपना नाम उर्मिला से बदलकर मरियम अख्तर मीर कर लिया था। ऐसे में अगर वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं तो चुनाव के लिए मंदिर जाने का ढोंग ना करें। उर्मिला की इस फोटो पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि अपना असली नाम बताओ, मरियम अख्तर मीर। तो वहीं यूजर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा मत लो। ऑटो ड्राइवर बनी उर्मिला मातोंडकर, मांगे वोट। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को पार्टी ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। रविवार को उर्मिला गुरई क्षेत्र के ऑटो चालकों के साथ दिखी। बताया जा रहा है कि गुरई में कांग्रेस ऑफिस जाने के दौरान उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनसे वोट देने की अपील की। गोपाल शेट्टी ने 2014 के चुनाव में मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संजय निरूपम को हराया था। खबरों की माने तो पार्टी शेट्टी के खिलाफ किसी चर्चित चेहरों को उतारना चाहती थी। यही वजह है कि उर्मिला के नाम का चयन किया गया। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।